हाय फूडीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और मेरी रेसिपीज ट्राई करके कुछ ना कुछ अच्छा बना के खा ही रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कीमा भिंडी की। तो चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो कीमा भिंडी बनाने से पहले हम अपनी भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। भिंडियाँ मैंने मीडियम साइज़ की लेकर आई थी मार्केट से और उसको ऐसे ही फ्राई कर लिया है, उसको बीच में से कट लगा के फ्राई किया है। और उसके बाद हम एक लेंगे कुकर, कुकर में डालेंगे ऑयल, उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़े से गरम मसाले। गरम मसालों में मैंने लिया है एक तेज़पत्ता, 4-5 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और सूखी खड़ी लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें जो प्याज है, प्याज हम इसमें ग्राइंड करी हुई डालेंगे, पिसी हुई प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको पीस लिया और उसको इसमें डाल दिया। उसको अच्छे से हम पकाएंगे। प्याज का पानी जब सूख जाए, जब वो थोड़ी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको इसमें ऐड किया है। और हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। थोड़ी देर 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अपना ऐड करेंगे कीमा। मैंने यहाँ मटन कीमा लिया है 250 ग्राम और उसको भी अच्छे से हम इसमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कीमे का कलर यहाँ चेंज हो गया और उसने थोड़ा बहुत अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने लिया है हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। और इन चीज़ों को हम फिर से अच्छे से भूनेंगे। हम जितना अच्छे से भूनेंगे कीमे की जो कच्चापन है वो अच्छे से जाएगा, तो हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब कीमा थोड़ा बहुत भुन जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसमें मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं स्लाइस्ड और उसको इसमें ऐड कर दिया है। उसको भी हम 2-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे साथ में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी ऐड किया है और कुकर बंद करके यहाँ पे 2 सीटियाँ दी हैं ताकि जो हमारा कीमा है वो थोड़ा अच्छे से गल जाए। जब तक ये कुकर सीटी मार रहा है, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लिड ओपन करिए और यहाँ पे हमारा कीमा गल चुका है। इसमें हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे और उसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड किया है और 1 टीस्पून मीट मसाले का ऐड किया है। अगर आपके पास मीट मसाला नहीं है तो आप गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्चियाँ ली हैं और साबुत हरी मिर्चियाँ ली हैं जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देंगी कीमे को। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। इन चीज़ों को हम डाल के 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है ताकि जो हल्की सी ग्रेवी वाला बन जाए ये। और उसके बाद इसमें मैंने भिंडी ऐड कर दी है। भिंडी को 2-3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसकी में मिक्स करके छोड़ देंगे ताकि भिंडियों में भी नमक थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए। और आप एक बार आप इसमें नमक टेस्ट कर लेना, नमक कम हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन का जूस डाला है और अच्छे से मिक्स करके इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। बस हमारी जो कीमा भिंडी है वो रेडी हो गई है। मैं इसे जा रही हूँ खाने। आप भी इसे ट्राई कीजिए और इसे रोटी पराठे के साथ खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू ईट एंड रिपीट। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय।